मैं इस्टा बंदुल खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के पुणे से सटे हिंजेवाड़ी इलाके में एक बड़ी खबर सामने आई है, जिसमें एक निजी हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजह से पायलट समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। ये दुर्घटना आज सुबह करीब 7 से 7:30 बजे के आसपास में हुई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेरिटेज नेविगेशन इस कंपनी का यह दुर्घटनाग्रस्त हेलीकॉप्टर हुआ है, जिसमें 2 पायलट समेत एक इंजीनियर ऐसे 3 लोग इसमें मौजूद थे। इसने आज सुबह ऑक्सफोर्ड गोल्फ क्लब हेलीपैड से उड़ान भरी थी, तो इस दौरान वहां ज़्यादा कोहरा भी था। यह हेलीकॉप्टर करीब के ही बावधान और HEMRL इलाके के बीच एक छोटे खाई में क्रैश हो गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इस हादसे की वजह क्या है, यह अब तक अधिकृत रूप से स्पष्ट नहीं हो पाया है। अब से 1 महीने पहले भी करीब यहाँ के मुलसी इलाके में भी इसी तरह खराब मौसम के चलते एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। इसके बाद अब यह बड़ी खबर सामने आई है। ऑक्सफोर्ड गोल्फ क्लब यह इलाका पुणे से काफ़ी करीब होने की वजह से देश के बड़े राजनेता, फिल्म स्टार और उद्योगपति ज़्यादातर इसी हेलीपैड का इस्तेमाल करते हैं। फिलहाल दमकल विभाग के कर्मी और हिंजेवाड़ी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और 3 मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए एम्बुलेंस के जरिए सरकारी अस्पताल भेज दिया गया है। 7:30 त्यांनी टेक ऑफ केलेला आहे। ऑक्सफोर्ड हेलीपॅड आहे, तिथून 7:30 टेक ऑफ केलेला आहे। त्याच्यानंतर 5 मिनिटांनी जी घटना घडलेली आहे, सिव्हिअर फॉग होता, फॉगमुळे ऍक्सिडेंट झालेला आहे। बाकी डिटेल्स आता सगळी चौकशी नंतर निष्पन्न होतील। हेलिकॉप्टर प्रायव्हेट होते की काय?